दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन निकालना सीखेंगे। तो अगर आप लोग कक्षा 8, 9 या फिर 10 में पढ़ते हैं तो आपको गोले के बारे में एक बार पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों के मैथ वाली बुक में एक चैप्टर होगा क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, तो उसमें आपको गोले के बारे में पढ़ना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अभी इसके बारे में पढ़े रहेंगे तो फिर जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, तो इसलिए आप लोग अभी से इसको समझ करके रखिए। और इसमें मैंने एकदम बेसिक से एकदम सिंपल भाषा में समझाया है और इसे हर कोई समझ सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसे सच में समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तभी तो हम लोग सवाल को लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, गोला को इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर गोला होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग गोली जानते होंगे, गोली क्या होता है, यानी कि उसको कंचा भी कहते हैं। तो गोली शब्द से समझिए कि गोली शब्द से ही गोला बना है। तो जो भी आकृति एक गोली जैसा दिखाई देता है उसको हम लोग गोला कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो भी आकृति हमें अगर गोली की तरह दिखाई देगा तो उसको हम लोग गोला कहते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये गोली की तरह है, क्योंकि गोली छोटा होता है लेकिन ये बड़ा है, लेकिन दिखने में तो गोली जैसा ही है, तो इसको हम लोग गोला कहेंगे। और फुटबॉल भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, फुटबॉल भी एक गोला कह सकते हैं, क्योंकि वो भी गोली जैसा ही दिखता है, बस गोली छोटा होता है, फुटबॉल बड़ा होता है, लेकिन आखिर गोली जैसा ही तो दिखता है। इसी तरीके से हम लोग गेंद भी कह सकते हैं, जो क्रिकेट मैच में गेंद से खेला जाता है वो गेंद भी एक गोला होता है। तो इसी तरह से गोला का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं रियल लाइफ में। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। अब देखिए इसमें आर क्या चीज़ है, आर यहाँ पे देखिए इसमें भी आर है, और पाई क्या है, तो देखिए आर जो होता है गोले की त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, आर मतलब रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिज्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये गोला है तो इसमें त्रिज्या क्या होगा, मतलब किस लंबाई को हम लोग आर से दिखाएंगे। तो देखिए गोले की जो त्रिज्या होती है वो एक लंबाई होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक गोला है तो इसमें त्रिज्या किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो गोला है इसके एकदम अंदर, यानी कि ये जो गोला है इसके अंदर एक बिंदु होगा, एकदम बीच में एक बिंदु होगा, तो बीच वाली जो बिंदु है उस बिंदु से ये जो बाहरी आवरण है इनके बीच वाली दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस गोले को एकदम बीच से काट दिया गया है, तो बीच से अगर हम लोग गोले को काटेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो होगा यही तो एकदम बीचों बीच बिंदु होगा, तो इसी बीचों बीच बिंदु से ये जो बाहरी आवरण है, ये आवरण, इनके बीच की दूरी को ही हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी को हम लोग आर से दिखाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए पाई क्या होता है, तो पाई एक संख्या होता है, पाई बराबर 22/7 होता है, यानी कि जब भी हम लोग सवाल को हल करेंगे तो पाई के जगह 22/7 रखेंगे, और पाई का मान 3.14 भी होता है। तो हम लोग सवाल हल करते समय पाई का मान ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, दोनों ही स्थिति में आपका आंसर सही होगा। लेकिन आप लोग पाई का मान हमेशा ये रखिएगा, क्योंकि हल करने में थोड़ी आसानी रहती है जब आप लोग ये रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे ही केवल यहाँ पे त्रिज्या बदलता रहेगा और यहाँ पे कहेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है, आपको यहाँ पे 15 सेंटीमीटर भी दे सकता है, फिर 14 मीटर भी दे सकता है, 100 मीटर भी दे सकता है, मतलब यहाँ पर कुछ भी दे दे। तो देखिए, जिस विधि से मैं आपको ये सवाल बताने जा रहा हूँ बिल्कुल उसी विधि को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और जो भी इस तरह का सवाल आएगा आप लोग इसी विधि का यूज करके लगाएंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले इसमें त्रिज्या दे दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो हमें क्या चीज़ दिया गया है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और गोले की त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, तो आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr². तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr². अब देखिए 4πr² का मतलब क्या है, 4 × π × r पर 2 घात, मतलब r का 2 बार गुणा, ठीक है ना। r पर 3 घात रहता तो हम लोग r का 3 बार गुणा करते हैं, तो इसका विस्तार रूप ये हो गया। अब हम लोग इसी में सभी का मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × π का मान हो जाएगा 22/7, फिर गुणा इस r के जगह पे क्या रखेंगे 14, और इस r के जगह पे क्या रखेंगे 14। अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी संख्या और भिन्न का गुणा किया जाता है तो जो बटा के नीचे संख्या होता है और जो ऊपर संख्या होता है, मतलब ऊपर और नीचे जो संख्या होता है उन्हीं को हम लोग आपस में काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे 7 है, ऊपर 4 है, 22 है, 14 है, 14 है, तो हम 7 से इसमें से किसी को काट सकते हैं, जो भी कटेगा उसको काट दीजिए। तो 14 कट रहा है तो ये हो जाएगा 7 × 14। अब ऊपर क्या बचेगा, 4 × 22 × 2 × 14। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए, तो सबसे पहले 4 और 22 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 88, 2 का 14 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 28। अब देखिए 88 और 28 का गुणा कर लीजिए, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24, 64, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया तो यही आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग क्या निकाल रहे हैं, आप लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल आप किसी भी चीज़ का निकालें उसके मात्रक पर हमेशा 2 घात होता है, ठीक है। तो देखिए ये सेंटीमीटर है, तो आप लोग यहाँ पर सेंटीमीटर लिखिए और इस पर 2 घात लगा दीजिए, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 24, 64 cm², ये 2 घात लगाना जरूरी है। और मैं आपसे वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आपको उसको भी हल करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पहला आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आयतन निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखिए सूत्र गोले का आयतन बराबर, तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3πr³, यही सूत्र होता है। तो इसका हम विस्तार रूप लिख लेते हैं, 4/3 फिर गुणा पाई गुणा आर पर 3 घात है, मतलब आर का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे। अब इसी में सभी का मान रखिए, तो ये हो जाएगा 4/3 × π का मान हो जाएगा 22/7, फिर गुणा आर के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 14 × 14 × 14, ठीक है। अब देखिए 3 बटा के नीचे 3 है बटा के नीचे 7 है, और ऊपर ये सब संख्या दिया गया है, तो 7 से ये काट दीजिए, 7 × 14। अब देखिए 3 नीचे और 3 से ऊपर कटने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 22 × 2 × 14 × 14, और ये पूरे का बटा 3, चूँकि ये 3 नीचे है ना, तो हम पूरा का बटा 3 नीचे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर सभी संख्याओं का आप लोग गुणा कर लीजिए। तो देखिए ऊपर अगर हम लोग सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 34,496 पूरे का बटा 3, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 से इस ऊपर वाले में भाग देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 11,498.66, मतलब ये 666 करके आता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, जब भी यहाँ पर आप लोग भाग देंगे तो दशमलव के केवल 2 अंक तक केवल भाग दीजिएगा, मतलब केवल इतना ही करके छोड़ दीजिए। ये 6-6 आता जाएगा, लेकिन आप लोग दशमलव के 2 अंक तक ले जा करके छोड़ दीजिए। आप अधिक से अधिक 3 अंक तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो केवल इतना ही आप लोग लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, क्योंकि आप आयतन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे और ये 3 घात लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग आयतन निकालेंगे तो हमेशा ये 3 घात रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इन दोनों सूत्रों में इसमें r² है, इसमें r/3 घात है, तो आपको कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, कैसे आप लोग हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है हमेशा 2 घात रहता है इसके मात्रक में, तो यहाँ पर देखिए r/2 घात है, और जो आयतन निकालते हैं उसके मात्रक में हमेशा 3 घात रहता है, तो देखिए सूत्र में यहाँ पर 3 घात है। तो इस ट्रिक से आप लोग हमेशा के लिए 2 घात और 3 घात याद रख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, आप लोग हल करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए।